ये इसका साइड में लगा हुआ है भाई, फ्रंट में नहीं लगा हुआ है। इतना भयंकर एक्सीडेंट हो रखा है इसका भाई। एयरबैग भी खुल गया है इसका, दोनों एयरबैग खुले हुए हैं। ये गेट उखाड़ रखा है, और ये जो गेट था ना, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे था। और ये काहोड़ी इंतजार करते हुए हम लोकल लोग जो है कि गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और चैनल की शुरुआत हो चुकी है एक शानदार मौसम और बरसात के साथ, और बारिश चल रही है आज सुबह से। तो ना घूमने गए ना रनिंग करने गए, और अभी हो रही है ब्लॉग की शुरुआत। टाइम हो चुका है काफी, और बारिश जो है वो लगातार लगी हुई थी। पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि देहरादून में भी बहुत बारिश थी, जहाँ की स्कूटर फंस गया था, और स्कूटर मैंने सुखाने के लिए रखा हुआ। अभी मैं हूँ अपनी कार में, और धीरे धीरे जो है कि ट्रैफिक भी मूवमेंट कर रहा है, और बारिश जो है लगी हुई है। तो बने रहिए ब्लॉग में। रात भर से बारिश थी 4 बजे से, और मॉर्निंग टाइम में हम कहीं जा भी नहीं पाए क्योंकि बहुत बारिश थी। और अभी भी हल्की हल्की बारिश है। देखा जाए तो आप देखो ये रोड खाली क्या बोलते हैं गीली है पूरी, और बढ़िया रहा। और मैं भी एक काम से आ गया हूँ बाहर, मैंने कहा चलते हैं जरा कुछ किया जाए घर का काम भी, वरना घर में बैठे बैठे ही आदमी बोर हो जाता है। बाहर निकलना बहुत जरूरी है। कावड़ की तैयारी भी शुरू हो गई, ये बैरिकेडिंग वगैरह लगाना शुरू हो गया है। ये देखो बैरिकेड लगा रखा है इन्होंने। अब जो है कि कावड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। ये देखो बैरिकेड दिखाई नहीं दे रहा होगा लाइट के कारण, और यहाँ पर जो है ट्रैफिक और लग रहा है। सामने ट्रेन भी जा रही है भाई, ये देखो सही टाइम पे पहुंचा बिल्कुल। फाटक भी लग गया है और ट्रेन चल रही है। तो गाइस सही टाइम पे पहुंचा बिल्कुल, फाटक भी लगा और ट्रेन भी आ गई। और ये है हरिद्वार चंदौसी, और स्लो हो गई है, मुझे लग रहा है टाइम लगी है। और फाटक खुल गया भाई फाइनली। देखो गाइस सामने जेसीबी क्या क्रेन जाने भाई, इसका मतलब काम कुम चल रहा है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का काम चल रहा है, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। अगर आपको ट्रक या क्रेन या हैवी व्हीकल्स रोड पे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का कार्य प्रगति पर है। और कहते हैं ना, अगर ट्रक भी अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इकोनॉमी बढ़िया चल रही है। अगर ट्रक ठप है इसका मतलब है कहीं आवाजाही नहीं हो रही, और माल जो है सप्लाई भी नहीं हो रहा। तो ट्रक चल रहे हैं, बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी भी बढ़िया चलेगी, क्योंकि उसमें आदान प्रदान का काम चलता रहता है। और ये देखो भाई कुत्ता सामने, हट जा भाई, इंश्योरेंस करा रखा है क्या? कावड़ यात्रा शुरू हो रही है, और कुछ ये कावड़, ये देखो ये कावड़ शुरू हो गए हैं। ये लोग ऊपर से आ रहे हैं गौमुख से, जल जुल चढ़ा के जल जुल लेके। ये देखो भाई बिल्कुल लगा हुआ भाई पैदल डंडे के साथ। लेकिन ये गायों से परेशान है यार, इनसे बहुत एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ दिन पहले ही मेरे सामने बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हो गया था। और ये देखो कावड़ जाते हुए, और ये कावड़ ये इंतजार करते हुए। और अब ना कुछ दिनों बाद जो है कि यहाँ पर फुल हो जाएगा भाई, ये जो रोड है ना बहुत फुल हो जाएगा। हम लोकल लोग जो है कि गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है। और ये हमारे घर के बगल में जो रोड है ना, वहां से जा रहे हैं। तो भाई आगे मेरी गली है, मैं मुड़ता हूँ अभी। द नेक्स्ट डे वेलकम, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है एक और नए दिन से, और मैं हूँ बाईपास रोड, और रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब है बारिश की वजह से। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपको पता ही है कि हमारी ब्लॉग की शुरुआत रनिंग से होती है। तो करते हैं रनिंग, मिलते हैं आपको ग्राउंड में।
पहुंच गया हूं मैं आईडीपीएल ग्राउंड में। और भाई स्वागत है आपका फिर से आईडीपीएल ग्राउंड से। और देखो बारिश आई और मौसम के जो है मिजाज बदल के और ग्राउंड में भी थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ कई जगह, जैसे ये कीचड़ कीचड़ हो रखा है, तो देख के चलना पड़ेगा, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह देख के करनी पड़ेगी भाई। लेकिन मौसम मस्त है, हल्की ह्यूमिडिटी भी है लेकिन हवा भी चल रही है। देखिए आप मेरे पीछे जितना आना है वो आ रहे हैं भाई। तो गाइस अपनी एक्सरसाइज करते हैं जो हमारे रेगुलर हैं, और उसके बाद देखते हैं लड़का आता है ट्रेनिंग के लिए, वो आता है तो ठीक है वरना अपनी ट्रेनिंग तो है ही। आ चुका अपने पास जो ट्रेनिंग के लिए आता है, और अब उसको ट्रेनिंग करवाते हैं। हो गया आज की एक्सरसाइज होगी, और अभी चलते हैं निकलते हैं जरा रोड की तरफ, तो देखते हैं क्या माहौल है बाहर का। पहुंच गया हूं मैं हनुमान मंदिर गेट वाले के पास, और परसों यहां पर बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो रखा था। ये देखो ये गेट तोड़ रखा है, तो आपको मैं वो वीडियो दिखाता हूं, आप पहले वो वीडियो देखिए जो मारुति इर्टिगा ने जिसको बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। और ये देखिए गाइस आईडीपीएल गेट के पास ये भयंकर एक्सीडेंट होकर HR की गाड़ी है, और इस गाड़ी ने जो है ये गेट उखाड़ रखा है। और ये जो गेट था ना ये मुझे लग रहा है यहाँ पे था, यहाँ से उखाड़ के और ये कितनी जोर से मार रखा है ये देखो। लेकिन इसका साइड में लगा हुआ है भाई, फ्रंट में नहीं लगा हुआ है, इतना भयंकर एक्सीडेंट हो रखा है इसका, बहुत तगड़ा। मेरे ख्याल से आदमी बस तो गए होंगे इसमें यार, पता नहीं। ये देखो भाई एयरबैग भी खुल गया इसका, दोनों एयरबैग खुले हुए हैं, मेरे ख्याल से आदमी तो ठीक ठाक ही होगा। और गाइस यार यात्रा शुरू हो रही है तो आप ढंग से चलें, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो रखा भाई ये। मेरा इसको दिखाने का मतलब यही है कि ऋषिकेश में जो है ये खतरनाक हादसा होने वाले, और इतना भयंकर हादसा हो गया ये, इस गाड़ी के एयरबैग भी खुले हुए हैं, तो आप लगा सकते हो कि क्या सिचुएशन होगी। अरे भयंकर तरीके से आप लगा सकते हो, लोहे का गेट तक तोड़ दिया इसने यार। रेलवे स्टेशन वीरभद्र, देखो सन्नाटा पस रहा हो भाई, कोई नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ स्टेशन, बिल्कुल खाली।